विधानसभा चुनावों के बिल्कुल नजदीक आते ही कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से मिशन रिपीट के लिए जुट गई है और इसके लिए कांग्रेस समर्थित छात्र संगठन NSUI के माध्यम से भी बैठकें आयोजित करके हमीरपुर से अभियान का आगाज किया है। अभियान को सफल बनाने के लिए NSUI की हमीरपुर इकाई ने PM मोदी के 3 सालों का हिसाब मांगने के लिए आगामी योजना तैयार की। इस अवसर पर NSUI के प्रदेश अध्यक्ष तरुण शर्मा, इंचार्ज समीर मेहता के अलावा युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अभिषेक राणा विशेष तौर पर मौजूद रहे। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष तरुण शर्मा ने कहा कि हमीरपुर से NSUI ने कांग्रेस सरकार को दोबारा से रिपीट करने के लिए अभियान की शुरुआत की है। जवाब दो हिसाब दो को लेकर घर घर जाकर कार्यकर्ता मोदी के कार्य का हिसाब मांगेंगे। उन्होंने कहा कि छात्र संगठन के कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए अहम भूमिका निभाएंगे और अपनी टीम के साथ अलग अलग हिस्सों में बांटकर सक्रिय भूमिका चुनावों के दौरान निभाई जाएगी। ने एक कैंपेन लॉन्च किया है हमीरपुर से और इस कैंपेन का नाम है जवाब दो हिसाब दो 3.5 साल का मोदी जी। और मुख्य तौर पे ये कैंपेन श्री राहुल जी ने जब राष्ट्रीय अध्यक्ष फिरोज खान जी को कहा कि हिमाचल में हमें फिर से सरकार लानी है तो कुछ ऐसा किया जाए कि NSUI भी एक अच्छा रोल प्ले करे। तो आज हमने सबसे पहले तो यहाँ पे जो कैंपेन शुरू की है और ये पहली कैंपेन है हमारी स्टेट में, इसमें हम मुख्य तौर पे 3.5 साल में जो नरेंद्र मोदी जी ने वादे किए थे, जब 2014 में उन्होंने चुनाव लड़ा था तो उन्होंने कहा था कि मेरा सिर्फ एक ही लक्ष्य है विकास करवाना, तो विकास तो कहीं दिख नहीं रहा। जो 2 करोड़ नौकरियों की बात हुई थी, जो 15 लाख हर खाते में बात हुई थी, जो उन्होंने कहा था कि आज देश एक आर्थिक शक्ति बनेगा, तो आज पूरी तरीके से देश एक उस स्थिति में खड़ा है कि देश की इकोनॉमी पूरी तरीके से कलैप्स हो चुकी है। तो राहुल जी जब मंडी में आए थे तो उन्होंने कहा था कि गुजरात मॉडल और हिमाचल मॉडल में बहुत फर्क है। गुजरात मॉडल तो झूठा मॉडल है, जो विकास का मॉडल है वो हिमाचल मॉडल है। तो बेसिकली हम मोदी जी से जवाब मांगने जनता के बीच जाएंगे, NSUI की टीम जाएगी, लोगों के घर घर जाएगी और जवाब दो हिसाब दो के नाम से लोगों को बताएगी कि आप ठगे गए हो, आपके साथ धोखा हुआ है और इस धोखे का बदला लेने का समय आ चुका है। अपनी वोट का इस्तेमाल इस सरकार के खिलाफ कीजिए। जो 4 सांसद बने हैं और जो इनकी सरकार थी दिल्ली में, उस सरकार को गिराने का काम यहाँ से शुरू कीजिए और वीरभद्र जी की अगुवाई में, श्री फिरोज खान जी की अगुवाई में और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हिमाचल में फिर से सरकार कांग्रेस की बनवाइए और NSUI में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी। अभिषेक राणा ने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार आने के बाद से बड़े बड़े वायदे किए गए थे लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर कानून व्यवस्था खराब बनी हुई है। उन्होंने कहा कि NSUI के कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को बताकर जनता को जागरूक करेंगे। इस तरह से पिछले 3.5 सालों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, उनको जो जो उन्होंने बड़े बड़े वादे लोगों से किए थे और हर एक क्षेत्र में वो फेल हो चुके हैं। आज देश की अर्थव्यवस्था गिर चुकी है, जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर कानून व्यवस्था डगमगा चुकी है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जिनके पास कोई मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं है, जैसे कि हमारे राज साहब ने भी कहा भाई ये बारात बिना दूल्हे के चल रही है और मोदी जी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी से भी पूछना चाहूंगा जब कभी मुसीबत आएगी तो क्या मोदी जी हिमाचल प्रदेश में लोगों की समस्या सुनने आएंगे कि हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो दिल्ली जाकर मोदी जी के पास अपनी समस्या बताएंगे। और इन युवाओं की टीम, यूथ कांग्रेस की टीम दल बल के साथ निकलेगी और जमीनी स्तर पर काम करके लोगों को जागरूक करेगी, सरकार की जितनी भी उपलब्धियां हैं वो लोगों तक, गांव-गांव तक पहुंचाएगी। ये हमारा उद्देश्य है, ये आज की मीटिंग इसलिए रखी है।